सो गाइज, एज यू कैन सी, ये वाली पूरी जो रोड है जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये रोड पूरी की पूरी बननी है। जो पीछे आरएमसी की गार करी हुई थी वो ऑलमोस्ट 3 से 4 गाड़ियां यहां पे लगेंगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमें मोस्ट प्रोबली शायद यहां पे रात हो सकती है, ऑलमोस्ट 6 से 7 बज जाएंगे। हे गाइज, सब्सक्राइब टू सुपरवाइज क्लासिफाइड, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम सुपरवाइज क्लासिफाइड्स। Hey everyone, good morning, how are you guys? So, अगर आप चैनल पे नए हैं guys, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दें, और जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। So guys, it's 7:30 in the morning। जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं आप लोगों को जो मैं काम करता हूँ उसका एक वीडियो दूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे हम काम करते हैं, क्या होता है। सो आज मेरी एक साइड है उत्तम नगर के अंदर, वहाँ हमने सड़क डालनी है, बेसिकली आरएमसी का काम है। पिछले 9-10 दिनों से मैं उस साइड पर लगा हुआ था, क्योंकि पहले खुदाई होनी थी, फिर लेवलिंग होनी थी, फिर उसके बाद कच्ची रोड कूटनी थी, फिर अब फाइनली उसका आरएमसी का डे आ गया। सो 9 बजे के करीब मेरे को साइड पर पहुँचना है। सो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि एक्चुअल में मेरी एक्चुअल जो काम है वो किस चीज़ का है। सो गाइज, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो आखिर तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जो एमसीडी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, क्या उनका काम होता है और कितनी बुरी हालत होती है उनकी साइट के ऊपर। सो गाइज, वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहें एंड वीडियो आखिर तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। सो गाइज, फाइनली हम साइट पे पहुंच गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको अपना काम दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में मैं करता क्या हूं। सो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि काम कैसे होता है और क्या क्या हम करते हैं। तो आपको एक्चुअल में जो साइट है वो दिखा देते हैं एंड फिर पूरा एक काम करते हुए भी आपको इसका पूरा टाइम लैप्स बनाऊँगा और सारा कुछ दिखाऊँगा, सो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये वाली पूरी जो रोड है जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये रोड पूरी की पूरी बननी है। जो पीछे आरएमसी की गार करी हुई थी वो ऑलमोस्ट 3 से 4 गाड़ियां यहां पे लगेंगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमें मोस्ट प्रोबली शायद यहां पे रात हो सकती है, ऑलमोस्ट 6 से 7 बज जाएंगे। सो एक अंदाज़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर इतनी सी सड़क है तो उसमें कितना टाइम लग जाता है एक बंदे को काम कम्प्लीट करने में। तो थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको और क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम काम करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूँ। ये जो रोड थी बेसिकली पूरी मिट्टी की थी, यहाँ पे पक्का कुछ भी नहीं था। तो पहले हमने ऑलमोस्ट यहाँ से 10-15 ट्रॉली जो है वो सारी की सारी मिट्टी उठाई है और नीचे गड्ढा करा है ताकि नीचे क्लीन हो सके, जो बेस है इसका जितनी हमें नीचे जाना था। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो मकान है उसका जो लेवल है वो ये वाला आ रहा है, जो कि अगर हम हाइट ऊपर रखते तो पानी अंदर बढ़ता, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते थे। सो हमें उससे नीचे ही जाना पड़ा और फिर उसके बाद हमने पूरी लेवलिंग करी इसकी, जो रोड थी उसकी पूरी की पूरी लेवलिंग करी ताकि एक लेवल बन जाए। क्योंकि हमें इस जगह से लेके और आखिर तक पूरा स्लोप देना था। तो दैट्स द रीज़न क्या होता है कि यार इस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि जब बारिश पड़ेगी तो यहाँ का पानी आगे जो नाला है उसमें जाना चाहिए, तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड देन फिर उसके बाद पूरी कच्ची रोड टूटेगी। एज यू कैन सी, ये जो नीचे लाल कलर की ईंटें टूटी हुई हैं गाइस, इसको कच्ची रोड कहते हैं। तो ये तोड़ी हमने और इसके बाद फिर पूरा दुर्मुट मारा गया ताकि एक आपकी बैलेंसिंग हो जाए, मतलब ज़मीन तरीके से बैठ जाए कि जब भी हम इस पर माल डालें, अभी जैसे हम माल डालेंगे तो जैसे हम इस पर माल डालेंगे तो जो ज़मीन है वो बैठे ना। तो इस पर दुर्मुट मारा जाता है जिससे एक पक्का हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके ऊपर पानी मारा जाता है अच्छी तरीके से, जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे थे अंकल अभी पानी डाल रहे थे। तो पानी डाला जाता है ताकि मिट्टी और ज़्यादा नीचे स्टेबल हो जाए।
और फिर अब इसके बाद आरएमसी डलेगी। सो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो सड़क का काम होता है ये किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं, और भी क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो के साथ बने रहें। सो गाइज, आप लोगों को एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि एक्चुअल में काम होना कैसे है। जैसे कि आप लोग वहाँ देख रहे हैं, वो आरएमसी की गाड़ी खड़ी है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस काम में करने के लिए कि ये जो आप नाला देख रहे हैं नीचे, ये जो नाला है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी इतना वेट सहने की हिम्मत नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने काम करने के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर मंगवाया है। सो क्या होगा, जो आरएमसी से गाड़ी में से माल निकलेगा वो इस ट्रैक्टर के पीछे जो डाला है उसके अंदर जाएगा, वो भी हम आधा आधा भरेंगे ताकि ये जो नीचे नाला है यहाँ पे, इस नाले पे लोड ना पड़े और ये टूटे ना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो सारा काम रुक जाएगा पीछे करने के लिए। सो जो ट्रैक्टर है वो बार बार माल लेगा एंड माल लेके वो पीछे तक जाएगा और पीछे तक जाके फिर वो उस माल को खोलेगा एंड जो मेरे मिस्त्री लेबर होंगे वो वहाँ पे उस माल को सारा का सारा फैला देंगे, जिससे सड़क बनाने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और काफ़ी आसानी से जो सड़क है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ अलग दिखाना चाहता था गाइज़ मैं आपको कि काम जो होता है ठीक है, हम जो काम करते हैं वो फिर भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रहता है, थोड़ा ठीक रहता है, बट कुछ मैं आपको अनोखा दिखाना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। और ज़रूरी भी है ये दिखाना कि कैसे लोग गटर के पानी में जाके अपनी सफाइयाँ करते हैं। इन लोगों को हमें प्रेज़ करना चाहिए, इन लोगों की हमें तारीफ़ करना चाहिए, जब भी हमें मिले तो इन लोगों को हमें थैंक यू करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। जो गटर वाला पानी होता है गाइस, वो वाला पानी होता है जैसे सिवर का पानी होता है, जिसमें पॉटी गई होती है, जिसमें आप सारा जो सूसू वाला पानी होता है वो सारा उसमें जाता है, और कैसे वो लोग इस चीज़ के लिए अपनी जान लगा देते हैं ताकि हम लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। सो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ गाइस, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो ऐसे काम करते हैं, और हम उन लोगों को देख के करते हैं कि यार मतलब क्या कर रहे हैं ये। तो यार अगर सच्ची में मैं बात बोलूँ ना यार, तो इन लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से हमें एक स्वस्थ और एक साफ सुथरा वातावरण मिलता है। तो इन लोगों के लिए प्लीज़ क्लैपिंग कर दें, जो भी बंदा मेरी वीडियो में ये देख रहा है इन लोगों के प्लीज़ क्लैपिंग करें, जो कि इतने गंद में घुस के हम लोगों को कोशिश करते हैं एक स्वच्छ जगह देने के लिए। तो गाइज आप लोगों ने क्लिप देख लिया, आप लोगों ने देखा कि कैसे जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं इतने गंदे पानी के अंदर, और वो काम कर रहे हैं हम सब के लिए। सो वी शुड अप्रिशिएट देम, हमें काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए। सो मैंने जैसे बोला, प्लीज़ उन लोगों को थैंक यू बोलें अपनी तरफ से, जहाँ जहाँ पर भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी इससे बढ़ावा मिले। सो भाई लोग, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप लोग घड़ी में देख सकते हैं 6:15 हुए हैं एंड अभी भी काम थोड़ा सा बचा है। सो ऑलमोस्ट 9 से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड काम करा रहा हूँ। आपने देखा कि कैसे काम होता है, क्या होता है, थोड़ा सा काम रह गया है, आधे घंटे मैक्सिमम 1.5 के अंदर शायद काम ख़त्म हो जाएगा। सो कैसा लग रहा है काम ख़त्म होने के बाद, कैसी सड़क लग रही है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल।
जल्द से जल्द जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग उन वीडियोज़ को इंजॉय कर सकें। एंड सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये भी है कि ये जो हमारी सुपरवाइज क्लासिफाइड की फैमिली है ये ग्रो होगी और बहुत अच्छे से ग्रो होगी, एंड बहुत अच्छे अच्छे लोग इस फैमिली का हिस्सा होंगे। सो गाइस, आपको अब फाइनल जो एक टचअप है या फाइनल के जो पॉइंट्स रह गए हैं सड़क बनाने के, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो आप वीडियो आके तक, सुबह 9 बजे मैं यहाँ पे आया था और 9 बजे से अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और 7 बजे तक मैं इस जगह साइड पे सुबह से खड़ा हूँ। सो जो लोग इस फील्ड के अंदर जाने चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिटिंग जॉब नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, पूरे पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि जो मिस्त्री लेबर होती है वो कभी भी आपको काम निकाल के नहीं देगी अगर आप उनके सर पे नहीं खड़े रहेंगे तो। सो गाइस, फाइनली मैं वहाँ से फ्री हो गया हूँ एंड अभी बज रहे हैं 9:32 रात के। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे में से मैं सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, काम फिनिश करवा रहा हूँ। एंड बीच में आधे घंटे के लिए मैं खाना खाने के लिए गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी है, एक आपको फ्रंट व्यू भी दे देता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सो आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो गाइज़ आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये प्रोफेशन आसान नहीं है। सो सोच समझ के इस प्रोफेशन में घुसें। द नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज अगला दिन हो गया है, काम हमने कल करा था। सो अब साइड पे चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में जो फिनिशिंग आई है वो कैसी आई है और सड़क में देखने में कैसी है और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसमें। अगर कुछ होगा तो फिर उसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग करनी पड़ती है एंड सारा कुछ होता है। सो गाइस, चलते हैं साइड पे एंड वहां चल के देखते हैं। बाय। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड के बारे में पता चल सके, कैसे काम होता है उसके बारे में पता चल सके। एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, हमारी इस फैमिली को बहुत हमने आगे लेके जाना है। सो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा के ग्रे कर दें, ताकि जितने भी हमारी ये फैमिली है लोगों की वो और ज़्यादा बढ़े और हम और ज़्यादा प्यार इकट्ठा करें और हम इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ा सकें। एंड जो उसके साथ बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो गाइज़, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।